हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का टॉप बॉटम और किस रेंज में रहने वाला है, जो ऑप्शन सेलर है वो किस रेंज को फॉलो करके आप इंट्राडे काम कर सकते हो, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस और बड़े ऑपरेटर कहाँ बैठे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, सो दैट आप लोगों को समझ में आ सके कि किस लेवल को फोकस करना है, कहाँ बड़े ऑपरेटर का फुटप्रिंट है, आप उस हिसाब से अपना मार्केट में डिसीजन ले सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल करते हैं रॉक एंड रोल, राइट। सो निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने चार्ट लगाया है, कल इसकी एक्सपायरी है। जैसे कि मैंने कल आपको रात को लेट बनाया था क्योंकि मैं बाहर हूँ, अभी नोएडा में हूँ, सो अभी मैं हैदराबाद नहीं पहुंचा हूँ। तो ये एक लेवल जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कहीं ना कहीं सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी और डिमांड ढूंढनी पड़ेगी। सप्लाई जो आपने किताबों में पढ़ा है, जो दूसरी जगह से पढ़ा है, वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंज है, इसमें थोड़ा सा तड़का लगाना होता है अपनी साइकोलॉजी का। यहीं से एक सप्लाई, इसी जगह से सप्लाई। और देखो आज दुनिया को इसने ब्लफ किया, दिखाया कि मैं ब्रेकआउट हो रहा हूं, और बहुत सारे लोगों ने यहां पे बाइंग किया होगा और उठा के ट्रैप किया होगा। और मुझे पता है आप में से भी कई लोगों ने अपना आज रूल तोड़ा और रूल तोड़ने के बाद काफी लॉस पे किया होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं, मैं यही कंसेप्ट सिखाता हूं कि बॉस यहां पे हमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर देखना है जो कि सेल करने को मिलेगा, यहां पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर देखना है सो दैट बाइंग करने को मिलेगा, यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, इधर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे एक लॉट पे काम करना है, यहां पे 10 लॉट पे करना है, यहां पे 15 लॉट पे करना है, यहां पे 50 लॉट पे काम करना है, ये सीखने की मैं बात करता हूं। तो एडवांस प्रेडिक्शन में हमेशा मैं एक छोटा सा लॉजिक देता हूं, पहले सप्लाई को ढूंढने की कोशिश करो कि बॉस इससे पहले कहां सप्लाई थी। अब यही सप्लाई मैं न्यूमरोलॉजी बेसिस पे निकाल लेता हूं, मैं अपने 18 साल का एक्सपीरियंस बेसिस पे निकाल लेता हूं, सिंपल मैथ्स को फॉलो कर लेता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करता हूं कि बॉस इसी जगह से रिजेक्शन आएगा, इसी जगह से बॉटम आ जाएगी। जो कल मैंने आपको बताया 24,270, 24,170 लक्ष्मण रेखा, नीचे जब तक 247 के नीचे, 947 के नीचे नहीं जाएगा, 23,947 के नीचे नहीं जाएगा, नो सेलिंग एट ऑल, क्लियर कट बताया, राइट। अब देखो मार्केट क्या हुआ, आज गैप अप खुला, जैसे ही मार्केट गैप अप खुला थोड़ा सा नीचे ट्रैप करने की कोशिश करी, जो कि एग्जैक्ट हमारा लक्ष्मण रेखा था 270 एंड 140 के बीच में। क्या हुआ, अगर इसके नीचे निकलता तो सेल करने का मोड था, अदरवाइज अगर गैप अप बोला तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले नाउ बिकम अ सपोर्ट। तो ये सपोर्ट का काम किया, रैली दी, लोगों को बेवकूफ बनाया, उठा के ट्रैप किया, काफी लोगों का लूटा, मार्केट में अच्छा खासा लोगों ने पैसा दिया, और इसी जोन से दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी आई और वापस तेज हो गया। तो दोस्त ये जो भी लक्ष्मण रेखा मैं खींचता हूं, इट्स नॉट अबाउट ओनली सेलिंग एरिया या फिर बाइंग एरिया, इट्स ऑल अबाउट आपका लक्ष्मण रेखा कि वहां से मार्केट या तो रिवर्स होगा या तो बाउंस बैक होगा। अगर ये लेवल आपका नीचे आ जाएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। ये लर्निंग थी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कल क्या करें ये बताओ सर। तो आपको मैं बता दूं 24,470, 24,547, एनी डेडिकेट अमाउंट, मैं अभी बाइंग करने के बिल्कुल भी मोड में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सेल करने के मोड में हूं, राइट। अगर 547 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा देन ओनली आई विल थिंक फॉर द बाइंग, जहां पे मेरा टारगेट हो सकता है 24,670 और 24,847 के आसपास का। बाई चांस मार्केट कल यहां पे गैप डाउन खुल जाती है तो हैव पेशेंस, जैसे कि मैंने बताया 24,270, 170 इज आवर लक्ष्मण जोन, जहां पे आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर 170 के नीचे जाता है और उसके 127 के नीचे भी सस्टेन कर जाएगा, 947 के नीचे फिर 300 पॉइंट मिनिमम आपको निफ्टी फ्यूचर्स में देखने को मिलेंगे। तो एनी डेडिकेटेड अकाउंट्स मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं बाइंग करने के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं मार्क माई वर्ड्स, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना, ये वीडियो मेरा आपका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के रिलेटेड वाला है। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ब्यूटीफुल। आप देखिए सुबह सुबह मार्केट में 7 बजे गैप अप खोला, जहां पूरी दुनिया को पहले पेन दिखाया कि मैं तो गिर रहा हूं, मैं तो मार्केट में पेन दे रहा हूं, अच्छा खासा रिजेक्शन, इससे पहले भी देखो एक अच्छी खासी गिरावट आई। कितने लोगों को बिलीव था कि मार्केट और डाउन जाएगा, आप खुद न्यूज देख लो, टीवी खोल लो, आप जिसको भी फॉलो करते हो उनके वीडियोस देख लो, जिनकी अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई है उनके ब्लॉग जाके चेक कर लो उन्होंने क्या बोला है। आप लोग आप फॉलो करते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोलता है एक्सपीरियंस प्लेयर को पकड़ोगे तो वो आपको पैसा बना के देगा। अब कितने लोग नेगेटिव थे,
मार्केट ने सीधे उठा के गैप अप, यहां पे कितने लोग नेगेटिव थे, मार्केट ने सीधे उठा के गैप अप। मैं हमेशा बात करता हूं, ये साइकोलॉजी को सीखने की बात करता हूं। तो अहमदाबाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये लास्ट सेशन है इस साल का जो मैं आपके शहर आ रहा हूं, इसके बाद अब हमारा इस साल कोई सेशन नहीं होने वाला है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अभी कोई हमारा नहीं है, उसके बाद हम लोग क्लासेस अपना बंद करेंगे थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि मैं कुछ और आप लोगों के लिए अच्छा प्लान कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि आप हैदराबाद आ सको और 15-20 दिन 25 दिन के लिए आप हैदराबाद मेरे साथ रुको, और साथ में 1 महीने की प्रॉपर क्लासेस, 15-20 दिन 25 दिन को डिसाइड नहीं है, उस क्लासेस को हम आपके लिए चलाएंगे। तो जहां पे आपको बुलाएंगे यहीं पे आप हमारे साथ रुकोगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है इस लर्निंग के लिए, हैशटैग हैरी सर जरूर लिखिएगा। तो हैशटैग हैरी सर आप लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है हैदराबाद के लिए। सो उसी के अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगा, जो कि करीब करीब 15 से 20-25 दिन के लिए आपको हैदराबाद आना पड़ेगा। और यहाँ पे हैंड होल्ड सपोर्टिंग के साथ, लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ, एक ही स्ट्रक्चर दूंगा, 1 से 2 मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और उसी स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरा 1 महीने तैयारी करके मैं आपको भेजूंगा, जिससे कि आप मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस को, मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके मार्केट को फॉलो कर सको। बट इसकी फीस थोड़ी सी अच्छी खासी मोटी होने वाली है, क्योंकि 25 दिन की क्लासेस रहेगी। अब जो अहमदाबाद है उनको मैं सिखाने वाला हूँ ये सेटअप, कंसेप्ट, लॉजिक। अहमदाबाद मिस मत करना, आज नोएडा हूँ, कल मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा, और सैटरडे को यानी कि 10 तारीख को हमारी क्लासेस होगी, जो कि मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आप में से कितने एक्साइटेड हो, कितने लोग अहमदाबाद से, गुजरात से, अगर आपके दोस्त मित्र कोई है उनको रेफर करो कि बॉस क्लास अटेंड करो, सो दैट आए और सीखे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, नो टेक्निकल एनालिसिस, 15 मिनट काम, बाकी पूरे दिन आराम। सिंपल ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी पैसे को सही जगह पे स्विंग पे लगाएंगे, और स्विंग से फिर इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से जो आपके पास पैसा है उसको एक छोटे से इंट्राडे के लिए एक्युमुलेट करके, फिर स्विंग के लिए एक्युमुलेट करके, फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे किया जाए, वो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कल क्या करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। मैं ये आपको सिखाऊंगा कि बॉटम कैसे बाइंग की जाती है, टॉप कैसे सेल किया जाता है, सो मेनी थिंग्स विल कम अप। राइट, अब 50,456 इज आवर लक्ष्मण रेखा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा 50,856 पहला। ठीक है, अगेन एनी डेड कैट बाउंस, मैं बाइंग करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। अगर 856 के आसपास आता है तो भैया मैं फिर से इसको उठा के सेल करने के मूड में आ जाऊंगा। अगर ये यहां से पैनिक करता है, हाफ पेशेंस, 49,856 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का लेवल्स आपको, लोअर लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। अब जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए मैं बता दूं, मेरे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 49,856 का हडल और 51,156 का ऊपर का हडल, यहां पे आप ऑप्शन कॉल को सेल, पुट को सेल, आप ही अपनी स्ट्रैटेजी इस रेंज में बना सकते हो, जो कि अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको और थोड़ा सा सेफ चाहिए तो 856 का पहला और 456 का दूसरा, इस रेंज को बना दो, ये भी आपको अच्छा खासा पैसा ऑप्शन सेलिंग में बना के दे सकता है, जो कि 1 हफ्ते की आपको एक्सपायरी मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ FIs DIs की, क्या कर रहे हैं वो, कहां पे अपनी पोजीशन खड़े कर रहे हैं, और डेटा के बेसिस पे कौन से लेवल पावरफुल है, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा सा बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि सर मुझे पता है कि जो दुनिया को दिखा रहे हैं उसका उल्टा ही ऑपरेटर करेंगे। जो आपको पता है कि ये ब्रेकआउट है, दुनिया बाइंग करेगी तो वहां पे सेल होने वाला है, जहां पे दुनिया ब्रेकडाउन करवा रही है वहां पे दुनिया सेल करेगी, तो वहां से उठा के कमोडिटी खरा जाएगा, आपको ट्रैक किया जाएगा। जैसे कि ये देखो, मार्केट में गैप अप खोला, लोगों को बाइंग कराया, उठा के पटक दिया, आज गैप अप खोला, लोग सोचोगे अरे गैप अप खुला है बाइंग करते हैं, उठा के पटक दिए होंगे, और फिर आप बोलते हो जैसे ही मैं बाइंग करता हूं वहां से गिर जाता है, जैसे ही मैं सेल करता हूं वहां से चढ़ जाता है। तो आपको प्रॉपर एक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, सेटअप ही आपको पैसा बना के देगा, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा, जो कि निफ्टी फ्यूचर्स के, अगर मैं डेटा की बात करूं तो आप देखिए ये कल की एक्सपायरी है, तो जो कल की एक्सपायरी है वो मुझे बार बार चिक चिक के एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, ये ग्रीन हडल्स देखो, बार्स देखो, ये क्या बोल रहा है, ये ग्रीन हडल्स हैं क्या, आप देखो ये है पुट ओपन इंटरेस्ट, यानी कि पुट ओपन इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में 24,100 के स्ट्राइक प्राइस में 42 लाख पुट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि ये एक 42 लाख लोगों का सपोर्ट बनकर खड़ा है। तो ये बोल रहा है कि भैया हम 24,100 के नीचे नहीं जाने देंगे। अभी निफ्टी स्पॉट क्या चल रही है,
24,300 के आसपास, यानी कि यहां से 100 पॉइंट का एक जबरदस्त, 200 पॉइंट का यहां पे एक जबरदस्त नीचे हर्डल है कि मैक्सिमम जाएगी तो 200 पॉइंट जाएगी, उसके बाद से बाउंस बैक आने का कोशिश करेगा। लेकिन 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 एक और हर्डल भी है 24,200 का, तो ये भी एक 100 पॉइंट का हर्डल है। लेकिन आप देखो इस तरफ यानी कि बाइंग साइड में, यानी कि कॉल ओपन इंटरेस्ट इतने एक्टिव नहीं दिख रहे, जितने एक्टिव ये ग्रीन कलर के कैंडल्स दिख रहे हैं उतने एक्टिव रेड कलर के कैंडल्स दिख रहे हैं। एक छोटा सा रेड कलर का एक्टिव कैंडल दिखा जो कि 24,700 24,700 के पास है, ये आप नोटिस करिएगा। तो कहीं ना कहीं 24,700 यहां से यानी कि 400 पॉइंट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब ये डेटा है आपके सामने है, डेटा चेंज होते रहते हैं, तो लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे समझेंगे। इसलिए बोलता हूँ कम एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो और लाइव मार्केट का एनालिसिस भी वहां से ले सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 1 वीक का व्यू क्या है, सर 1 वीक में आपको क्या क्या लग रहा है, नेक्स्ट वीक निफ्टी क्या रहने वाली है, तो 1 वीक का व्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। जबरदस्त देखो आपके सामने कितने 6 लाख 4 लाख डंडी बहुत बड़ी दिख रही है। आप डंडी को देखकर मत एकदम खुश हो जाना, ग्राफ को देखकर नहीं खुश होना है, क्योंकि 6 लाख 4 लाख ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो 24,300 के आसपास अच्छी खासी फाइट चल रही है, कॉल और पुट दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ जाएं, ऊपर जाएं नीचे जाएं वीकली बेसिस पे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है वो आपका रहेगा इस जगह पे, यानी कि 24,200। डेटा इतना मैच नहीं कर रहा, मतलब 6 लाख इतने मजेदार नहीं, यही अगर 60 लाख होते तो मैं कहता हूँ भाई रॉक सपोर्ट है, लेकिन ठीक है 6 लाख है तो एक हडल मोटा मोटी मान लो 24,200 का रहने वाला है। ये एक सपोर्ट बनेगा जो यहां से मार्केट कल बाउंस बैक दे सकता है, जो डेटा बोल रहा है। ऑप्शन सीधे स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इसके ऊपर के साइड में आप देख लो 2 लाख और 4 लाख, यानी कि कॉल साइड में 4 लाख सपोर्ट लेके बैठे और पुट साइड में 2 लाख सपोर्ट लेके बैठे, यानी कि कॉल कह रहा है कि भैया मैं इसके ऊपर नहीं जाने दूंगा। कितना 24,400, तो 100 पॉइंट का रेंज ऊपर 100 पॉइंट का रेंज नीचे इसी के अंदर वीकली बेसिस पे अभी तक डेटा मिला है। बाकी कल जब एक्सपायरी हो जाएगी नया कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा, पूरी दुनिया 14 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेगी, तब आपको और पिक्चर मिलेगा कि लोगों का व्यू क्या है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, चलो 1 वीक का यानी कि वी हैव अ टाइम, आज एक्सपायरी खत्म हो गई है, अब हम बात करेंगे सीधे 14 अगस्त की, क्योंकि लोगों ने पोजिशन बना ली होगी। अब देखो कैसे पोजिशन बनी है, वाह देख रहे हो 50,100 का लेवल इस जगह पे है, यहाँ पे तो इतना जबरदस्त है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो कॉल पुट और ओप कॉल दोनों के दोनों पावरफुल खड़े हैं। कितने, एक 4 लाख एक 5 लाख, कुछ जबरदस्त डेटा है, कुछ डबल कुछ है, कुछ अच्छा खासा फिगर है। अगर मैं बात करूं 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख नहीं है तो ठीक है, ये इजीली टूट भी सकता है, लेकिन अगर इस डेटा के हिसाब से बात करूं तो इमीडिएट जो है वो 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि यहां से 100 पॉइंट नीचे है, ये छोटा सा हडल मिलेगा। उसके बाद अगर कॉल साइड की बात करूं मेरे दोस्त, 51,000 यानी कि यहां से 900 पॉइंट का ऊपर मार्केट में दिखा रहा है कि निफ्टी इतना ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहां पे पावरफुल कॉल जो है राइटर्स वो यहां पे खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं इसके ऊपर नहीं जाने देंगे हम आपको मार्केट को। तो इस तरीके से छोटी सी एनालिसिस, कल की बात आज फॉलो करो, डेटा एनालिसिस को फॉलो करो, और साथ ही साथ मेरा जो एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर सैटरडे संडे को आपको दी जाती है, साथ में टेक्निकल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं करता है, उसमें आप ज्वाइन करिएगा और मिलते हैं अपने बूट कैंप में। और अहमदाबाद डोंट मिस, 10 अगस्त मिलते हैं, 7 बजे सीखते हैं, जिस दिन का बोले उस दिन का बैक टेस्ट करते हैं, और इस बार एक नया सेटअप जो कि मैंने दिल्ली वालों को दिया है वो आपसे शेयर करूंगा किस तरीके से मार्केट में निफ्टी बैंक में ट्रेड किया जाए। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो, जय।